प्रेस क्लब में अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। लखनऊ के प्रेस क्लब में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के तत्वाधान में मंडल दिवस के अवसर पर मंडल आयोग की संस्तियों के परिक्षेप में ओबीसी जाति की जनगणना महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं पूर्व आईपीएस बीपी सिंह ने कहा कि पिछड़े एवं दलितों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकारी प्रचार माध्यम से यह जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा देकर मानव सरकार ने पिछले के लिए दुनिया की सारी सुविधाएं पद दे दिया, जबकि सच्चाई यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का बिल वर्षों से संसद में पूर्ण रूप से शामिल है। सरकारों ने जानबूझकर चुनाव के वक्त इसे पारित करके पिछड़ों का समर्थन लेने की कोशिश की है। सभी प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने विचार दिए। सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे रामचंद्र पटेल अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ जातिगत जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग हर जनगणना से पहले होती है, ऐसी आमतौर पर होती रही है। ओबीसी व अन्य वंचित वर्ग के नेता करते रहे, जबकि अन्य जाति नेता इसका विरोध करते रहे हैं। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। देखिए, जाति आधारित जनगणना की के ऊपर ये पर चर्चा है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर तमाम यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हैं जो विचार विमर्श करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और ये इस पे जो भी विचार निकलेंगे उसको आगे सरकार तक प्रेषित किया जाएगा। इस विषय पर ये चर्चा है, इस संदर्भ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किन किन बिंदुओं पर, जैसे कि ओबीसी की जात जनगणना पर बताया गया, क्या है इसका? देखिए, काका कालेलकर एक कमेटी जो है भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी और उसने रिकमेंड किया था कि जात आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिससे एक साइंटिफिक डेटा हो जिसके आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को मूल रूप दिया जा सके। सरकार की कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी जो भी जन कल्याण की होती है, पिछड़े और वंचितों को के उत्थान के लिए जो भी पॉलिसी बनती है, वो तब तक कारगर और सटीक नहीं हो सकती जब तक वो तथ्यों पर आधारित ना हो, उसके लिए सपोर्टिंग डाटा ना हो। डाटा जो है हो, इसके लिए जाति आधारित जनगणना होना बहुत आवश्यक है कि कौन से लोग पिछड़े हैं, कौन से लोग अभी तक कितना उत्थान हो पाया है, ये सब डेटा तो तभी आएगा जब उसकी इस आधार पर जनगणना होगी। सेमिनार के माध्यम से क्या सरकार से कोई मांग करते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें जो विचार निकलेंगे उन विचारों को प्रेषित किया जाएगा।